अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस ने क्या तहलका मचाया है, लेकिन कुछ गैर ज़रूरी हो गया बहुत कुछ। इतना ज़्यादा प्रोपेगंडा, इतना चाइना में तो जो सूरत हाल थी वो तो खैर सबको पता थी क्या सूरत हाल है। 78,000 ज़ेर इलाज हैं, लेकिन पॉजिटिव बात क्या है जो लोग बताते नहीं हैं कि लोग सेहतियाब भी हो रहे हैं। चाइना में 78,000 ज़ेर इलाज थे, जिसमें से 37,000 सेहतियाब हो गए, उन्हें घर भेज दिया गया और अब उन्हीं का प्लाज्मा लेकर मरीज़ों को दिया जा रहा है ताकि वो सेहतियाब हो जाएं। अमवात तकरीबन 3,000 के करीब पहुंच रही हैं पूरे दुनिया में। मैंने अर्ज़ किया था एक बार कि ये आलमी जंग है, इससे निपटना है, लेकिन ये आलमी जंग ताउन जैसी नहीं है, ये सार्स वायरस जैसी नहीं है। इसमें डेथ का रेशो 2% है, कि अगर आप अपना इलाज वलाज करा लें तो 98% लोग बच जाते हैं और इलाज में कोई ज़्यादा मसला नहीं है, दवाएँ दी जाती हैं। हर सेहतमंद शख्स को मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है, एक बात समझ ली जाए। एक बात और, हमारे चैनल पर, हमारे सोशल मीडिया पर बहुत से लोग वज़ाइफ डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुतअद्दी बीमारियों से बचने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान हकीम में जो आयात हैं, जो वज़ाइफ बताए गए हैं, उनका विर्द करना ज़रूरी है, अपने घर को महफूज करने के लिए उनका पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ सुन्नत रसूल क्या है? अपना इलाज कराना, अपना इलाज कराना सुन्नत रसूल है, और जो इलाज से इनकार करता है वो जुल्म करता है। मौलाना तकी उस्मानी साहब का एक खुतबा अभी हाल में एक बड़े अस्पताल में हुआ है, और उन्होंने डॉक्टर्स को बड़ा खराज तहसीन पेश किया है इस्लामी शायर के पेश नज़र। उन्होंने कहा है कि जो हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स किसी मुसलमान को किसी बेचैनी से दूर करे, अल्लाह तबारक ताला उसकी क़यामत के रोज़ किसी बेचैनी को दूर करेगा। इसका मतलब है तबीब एक इंसानी खिदमत करने वाला शख्स है, उससे इलाज कराया जाए। इलाज कराना सुन्नत है और इससे इनकार एक जुल्म है। इलाज ना कराए आदमी, और कहते हैं कि अगर प्यासा है और प्यासा रह कर मर रहा है पानी ना पीकर, तो वो खुदकुशी कर रहा है। तो इलाज ज़रूर कराएं, छुप के ना रहें। ये HIV नहीं है, ये एड्स नहीं है, ये एक आम मर्ज़ है, एक आम बुखार है, इसको उसी तरह लें। और पाकिस्तान में अब तो एक हंगामा हो गया कि दुकानदारों ने, मुनाफा बख्शों ने, जिनके मैं क्या करूं, जो हाजी भी हैं, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं माशाल्लाह, जिनको देखकर बड़ा अच्छा लगता है, उनकी दुकानों पर एक आम सा मास्क जो पहले 2 रुपए का था वो अब 25 रुपए का मिल रहा है, जो 9 रुपए का था वो अब 400 रुपए का मिल रहा है। इतना अफसोसनाक बात है। मैंने तो तजवीज़ रखी थी कि ऐसे दुकानदारों को कोरोना वायरस के ड्रम में डाल के 1 घंटे तक बंद रखा जाए, फिर कोरोना जाने वो खुद जाने, अल्लाह उनको बचाए तो बचा लें, उसके बाद करना ज़रूर चाहिए। लेकिन अब हुकूमत ने लाइसेंस जारी किया है, ड्यूटी फ्री है, बनने लगेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ना घबराएं, खुद बनाएं। ये एनिमेशन देखें आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अपना मास्क खुद बनाने का तरीका कितना आसान है। ये देखिएगा, अंदाज़ा लगाइए आप कि एक क्लिप इधर मास्क आपका तैयार, और मास्क भी वो जो मेडिकल मास्क है, जो सर्जिकल मास्क है, और उसके बाद आप लगा लें उसको, ख़त्म। ना हाजी की फ़िक्र, ना मौलवी की फ़िक्र, ना दुकानदार की फ़िक्र, आपको मास्क मिल जाएगा आपको। लेकिन मुझे यकीन है हुकूमत मास्क के मामले में बड़े एहतियात से काम ले रही है, इम्पोर्ट भी करेगी, तैयार भी कराएगी, और ख़ास तौर से उन दुकानदारों को सज़ा देगी जिन्होंने मास्क महंगे किए हैं, और उनको शर्म दिलाएगी, उन्हें गैरत दिलाएगी, और उनको कम से कम दुर्रे तो मारेगी। NBC टॉक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स दीजिए।